वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। तो भाई आज का जो व्लॉग है, यहाँ पर हम बाहर आए हुए हैं और यहाँ पर मेरे आगे यहाँ कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कब्रिस्तान है और यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पीछे क्या क्या है। पीछे हरी, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यार आज मेरा दिल कर रहा था, आज लग रहा था मुझे धूप निकलेगी, तो मैं यहाँ बाहर आज फिर आया हूँ इसीलिए। तो भाई आज मैं बाहर आया हूँ और यहाँ इतना अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। तो अब हम जाएंगे आगे। तो यार ये हम फिर इधर आए हैं, यहाँ पर ये सारे आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या है। यहाँ पर देखें क्या गाइस, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं सब कुछ हरा हरा। और ये गाइस हमारी कॉलोनी का ना सबसे बड़ा ये है कब्रिस्तान। ये उस वक्त का है जब हमारे जो बाबा नहीं है, जब वो छोटे होते थे ना, उस वक्त का है। तो यार ये देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, बहुत दूर तक है गाइस। तो अभी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि ना यहाँ पर ये सारे लगे हैं, यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं मेरे। और ये सारा कब्रिस्तान है गाइस, ये बहुत पुराना है यहाँ पर। और ये सारी दीवार यहाँ पर भरी खड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं गाइस। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा गाइस इसका। और गाइस ये जो है ना इस कॉलोनी का है, तो ये काफ़ी यहाँ पे बड़ा है। तो इस पूरी दीवार यहाँ इस तरह भरी खड़ी है इस पर। और यहाँ ये हमारे गांव का यहाँ पर माहौल है, तो इससे ये चूल्हे में जलाते हैं और चूल्हे के जलाने में ये काम आती हैं। और आप ये देख सकते हैं पूरी दीवार यहाँ पर भरी खड़ी है, आप दूर तक देख सकते हैं यहाँ पर ये बनी हुई है। और गैस ये पूरी भरी हुई है यहाँ पर, वहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ तक आ रही है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं रोज़, यहाँ पर देखते हैं ये रोज़ यहाँ पर आते हैं। पहले यार काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ होती थी, तो आज मैं दो तीन दिनों बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है सबको देख। नेचुरल हवा चल रही होती है, मतलब खुला सांस आता है। और यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर ये पीछे वाली जगह, और यहाँ पीछे सूरज निकला हुआ है। और यार मैं यहाँ अभी बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा इस माहौल के लिए ना। यार यूरोप में जो लोग हैं ना वो तरसते हैं कि काश हम भी यहाँ यार आते और यहाँ पर रहने लग जाते। गाइस यहाँ पर देख रहे हैं आप कितनी जबरदस्त जगह। अगर आपको ये जगह सीन पसंद आती है तो कमेंट्स में लिख दें गाइस, हम और इस बारे में वीडियोस बनाया करेंगे। तो अभी मैं यहाँ आगे
सरसों की फसल है, तो इसकी यार बहुत सारी सरसों की फसल ये यार जानवर बहुत ना शौक से खाते हैं, और इसकी यार बहुत सारी चीज़ बनती है, जैसे कि साग होता है यहाँ का सबसे मशहूर, यहाँ पर इसका सरसों का तेल भी बनता है, जैसे कि आप यार ये सब कुछ देख रहे हैं यार, तो ये इसकी बहुत सारी चीज़ बनती हैं, तो ये सारी उसी की फसल लगी हुई है, इसको अच्छी यार इसको खाते हैं जानवर। सारी जमीन लगी हुई है और ये सारी और लंबी लगी हुई है गाइस। गाइस मैं आज यहाँ फिर से आ गया, यहाँ पर पानी का खाला है, यहाँ से पानी आता है और फसलों में यहाँ पर लगता है गाइस, और ये सारा वही है यहाँ पीछे तक देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो यार उसमें से सारा पानी जाता है और खेतों में भी जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे, तो यार ये सारा जाता है इधर खेतों में, ये वो आगे तक है गाइस, मैं आगे भी जाता हूँ, ये यहाँ पर आगे ट्यूबवेल, आगे यहाँ पर ट्यूबवेल भी है, ये सारा अभी भी वही चल रहा है, और अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, और यार ये मेरे पीछे यार क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पर, और मैं अभी चलता जा रहा हूँ गाइस, तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारी फसल है यहाँ उसकी क्या नाम है यहाँ पर, तो यार ये काफ़ी जगह काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ पर यार मैं मुझे यार ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आ गया गाइस टूर यहाँ पर क्या नाम है इसका, हाँ ये है गाइस आप देख सकते हैं गाइस, ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस, ये फसलों में पानी देने के लिए काम आता है गाइस, आप पीछे देख सकते हैं ये यहाँ से पानी देना शुरू करता है गाइस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे यार सब लोग मिलजुल अच्छी जगह है, तो आई लाइक दिस गाइस, आप कमेंट्स में लिखो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, आप रही रहा कि आपको यार ये पसंद आया होगा काफ़ी ज़्यादा गाइस, ये यहाँ पर सारा चल रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारा ये यार खाला है, अभी मैंने आपको वो दिखाया था गाइस वहाँ से पानी सारम खेतों में मिलता है, तो गाइस यहाँ पर हम अभी आगे जा रहे हैं, ये चारा काटने वाली है, अब तो इसके पीछे मोटर लगी हुई है, लेकिन पहले वक्तों में इसको हाथ से चलाया करते थे, लेकिन अब जहाँ इसको देखें ज़्यादातर ये मोटर में होती है, लेकिन कहीं कहीं ये हाथ से चलाई जाती है, तो गैस ये है हमारे गांव की शान, गैस ये वो जगह है जिसमें जानवर चारा खाते हैं, पंजाबी में इसको खुरली कहते हैं, आप गाइस उधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट्स में लिखना गाइस, और गाइस ये वो वाली जगह है जहाँ पर जानवर आकर पानी पीते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें यार, इसको एडिट करने में यार बहुत घंटों की मेहनत लगी है,
तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।